असलम नाजरीन इस्तेकबाल है तेलंगाना टाइम्स टुडे न्यूज़ में आइए देखते हैं आज के अहम खबरें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अस्सलाम वालेकुम असलकमल वर्काता यहाँ पे जहाँ पे भी जितने एरिया मुसलमानों के बस्ती हैदराबाद है में तरफ आप जाके देखिए हर खबरस्तान में हर जगह पर कचरा गंदगी मोरियाँ बह रही वहाँ पर लाइट का जंक्शन दिखेंगे तो आपको खबरस्तान में दिखेंगे अगर कहीं कुंडी दिखेंगी तो ख़बरस्तान के बाजुक दिखेंगी ख़ब्रस्तान से हट के कहीं भी नहीं दिखेंगी और ख़बरस्तान में वो कचरा डालने वाले भी कोई गैर लोग नहीं हैं हमारे मुसलमान भाई लोग हैं और उनको मालूम है उनह भी मरेंगे तो इन श्ला वही खबरस्तान में जाना है मगर उसके बावजूद भी आप जाके हर मुसलमान बस्ती के बाजू जहाँ जहाँ भी ख़बरस्तान है आप जाके देखिए ख़ब्रस्तान में पूरी गंदगी डाले हुए है गंदे कपड़े क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ख़ब्रस्तान को इतना पाक साफ रखो कल तुमको भी जाना है वहाँ पर कल हर आदमी को जाना है हमारे माँ बाप चले गए कल हम भी जाएंगे परसों हमारे बच्चे जाएंगे हर टाइम आएंगा हर आदमी को जाना है मगर हमारे मुसलमानों को यह है कि हमारे मुसलमान भाइयों को यह सोचना चाहिए कि हमको भी मरने के बाद वहीं जाना है हमारे माँ बाप को भी जाना है और ख़ुद को भी जाना है मगर उसके बारे में भी अल्लाह से तबाह करो जो भी गलती हो गई जो भी कचरा डाले और महल्ले की जो भी बस्ती है वो बस्ती के नौजवानों को ये करना चाहिए काम कि अपने अपने बस्तियों में ख़बरस्तान जो है उसको ख़बरस्तान को पाक और साफ रखना क्यों कल के दिन हम भी अगर गुजरे तो वहीं ख़बरस्तान में जाएंगे अगर हमारी ख़बर पे या हमारे माँ बाप की ख़बर पे पर कचरा डाला तो हमको कितनी तकलीफ़ होती तो दूसरों दु, दु, के भी माँ बाप की तकलीफ खबरों पर अगर कचरा डाले या भाई बहन की दोस्त अहबाब कुछ भी हो उनके भी ख़बरों पर अगर कचरा डाले तो उतनी तकलीफ़ होती उनको भी तो उसका ख्याल रखना हमारे भाइयों का का काम है अल्लाह ताली नहीं तो एक गुनाह है कबीरा है ये गुनाह है इतना बड़ा गुनाह है ये ख़बरस्तान में गंदे कपड़े डालना गंदगी डालना कितना बड़ा गुनाह है जब ख़बर में खुद जाएंगे तो जब एहसास होगा जैसे शराब पीने की वजह से रातों में फिरने की वजह से ये परेशानी आती और परेशानी की वजह दूसरे नहीं है हम ख़ुद परेशानी की वजह है क्या हम अपने बाजू वालों को इनको उनको जो सताते रहते अगर कोई आदमी आपको अच्छा काम बताता तो उसको बोलते उसके फीचर में उन्हें क्या करा था वो बताओ अरे फीचर को मत देखो अब क्या बता रहा वो देखो क्या अब आप देखिए जफर बल्ला नाम के एक पहलवान है हमारे आखुत पिरे के वो हमजा बिन उमर जफ़र भाई आज उनकी उम्र कम से कम एक सेवेंटी फाइव एज है आज भी देखो आप उनको कैसे है उनकी सेहत कैसी है अलहमदिल्ला किस वजह से सेहत है उन्होंने ना गांजा पीते ना शराब पीते ना गंदगी काम करते इसकी वजह से जफर बल्ला को देख के हमारे नौजवान बच्चे हमको भी उनके तरफ से सीखना चाहिए हम उनकी उन्हों जिंदगी क्या है उसको मत देखो उन्होंने अपने आप को कैसा मेनटेन कर रहे हैं क्या एक्सरसाइज करते अलमदिल्ला पाँच टाइम नमाज़ पढ़ते वो देख के वो चीज़ अच्छा ही उनमें जो है वो ले लो उनकी बुराई को मत देखो उनकी बुराई मत देखो और कोई भी आदमी अगर आपको कुछ समझा रहा तो उसकी बुराई मत देखो उन्हें क्या क्या समझा रहा हमको क्या बतला रहा वो देखना चाहिए